नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 14 दिन पहले ही खाते में आएगी नवंबर की सैलरी। बिहार में लड़कों से ज्यादा लड़कियों में तंबाकू और सिगरेट की लत। राज्य के कई शहरों की AQI खराब। राज्य में 300 नए डेंगू के मरीज मिले। दिवाली छठ पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी 75 स्पेशल ट्रेनें। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार की 3 नहर परियोजनाओं पर होगी तेजी से काम। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा राज्य के आधा दर्जन जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके, इसके लिए सारण मुख्य नहर, करनासा लिंक नहर और उत्तर कोयल जलाशय परियोजना का विकास का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सारण मुख्य नहर में 333.49 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबाई में गाद सफाई और लाइनिंग कराई जाएगी, तो वही करनासा लिंक नहर में करीब 51 करोड़ रुपए की लागत से खर्च कर करीब 8.53 किलोमीटर लंबाई में नहर को करने के लिए लाइनिंग की योजना तैयार की गई है। इसके अलावा बिहार और झारखंड की महत्वपूर्ण उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को बिहार के हिस्से में विकसित करने का काम चल रहा है। मालूम हो कि इन तीनों नहर परियोजनाओं पर काम होने से गोपालगंज, सिवान, सारण, कैमूर, औरंगाबाद और गया जिलों के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। राज्य में 300 नए डेंगू के मरीज मिले। बिहार में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बता दें कि बीते 24 घंटे में राज्य में डेंगू के 300 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब तक राज्य में कुल मरीजों की संख्या 17,853 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में बिहार की राजधानी पटना में कुल 154 मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब तक पटना में डेंगू मरीजों की संख्या 7,557 हो गई है। मालूम हो कि बीते 24 घंटे में पाटलिपुत्र में 26, बांकीपुर में 19, नूतन राजधानी में 16, कंकड़बाग में 7, अजीमाबाद में 14, दानापुर में 7, पटना सिटी में 5, बाढ़ में 1, फतुहा में 1, खुसरूपुर में 1, नौबतपुर में 1 और पटना सदर में 1 मरीज मिले हैं। बता दें कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में 217 मरीज भर्ती हैं। 14 दिन पहले ही खाते में आएगी नवंबर की सैलरी। लोक आस्था के महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से इस बार भी बिहार के सरकारी कर्मचारियों को नवंबर महीने का वेतन 14 दिन पहले देने की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि इस संबंध में वित्त विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नवंबर महीने के वेतन का भुगतान सभी सरकारी कर्मचारियों के पास 16 नवंबर 2023 से पहुंचने शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर विभाग की ओर से राज्यपाल के प्रधान सचिव, विधानमंडल के सचिव, हाईकोर्ट के महानिबंधक, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडल आयुक्त, जिलाधिकारी और कोषागार और अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि इससे पहले दुर्गा पूजा को भी लेकर सभी सरकारी कर्मियों को वेतन का भुगतान पहले ही कर दिया गया था। बिहार में लड़कों से ज्यादा लड़कियों में तंबाकू और सिगरेट की लत। देश भर में कराए गए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार में लड़कों से ज्यादा लड़कियों में तंबाकू और सिगरेट की लत है। बता दें कि सर्वे में राज्य के कुल 35 स्कूल में पढ़ने वाले 13 से 15 साल के 3,184 छात्रों को शामिल किया गया, लेकिन सवाल आदि से रूबरू 2,748 छात्र ही हुए। वहीं इन 35 स्कूलों में 4 निजी स्कूल है। सर्वे के मुताबिक 4% किशोर तो 5.4% किशोरियां धूम्रपान करती है। वहीं 2% छात्र सिगरेट के शौकीन है तो 2.5% स्कूली छात्राएं सिगरेट की शौकीन है। इसके अलावा बीड़ी के आदि 2% किशोर है तो वही किशोरियां मात्र 1.6% है। वही पान मसाला सुरती में 3.2% किशोरियां की तुलना में 3.3% किशोर इसका सेवन करते हैं। राज्य के कई शहरों की AQI खराब। राज्य के कई शहरों में AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के आसपास पहुंच गई है, जो कि एक चिंता की स्थिति बन गई है। बता दें कि इसे खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में आज सुबह 8 बजे तक AQI 400 के ऊपर 409 दर्ज किया गया। वहीं इसके अलावा भागलपुर में 302, छपरा में 318, गया में 264, हाजीपुर में 243, मोतिहारी में 291, मुजफ्फरपुर में 293, पूर्णिया में 391, सहरसा में 320 और समस्तीपुर 232 AQI दर्ज किया गया है। मालूम हो कि ऐसी प्रदूषित हवा में बहुत देर तक रहने पर स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है। मालूम हो कि इसके अलावा मौसम विभाग के द्वारा यह पूर्वानुमान जताया गया है कि उत्तर पूर्व व दक्षिणी भागों के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। दिवाली छठ पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी 75 स्पेशल ट्रेनें। दिवाली और छठ में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से 75 और स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जो कि पूर्व मध्य रेल पट क्षेत्र में पटना, गया, दानापुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के दर्जन भर स्टेशन पर आएंगे और जाएंगे। बता दें कि यह ट्रेनें नई दिल्ली, आनंद विहार, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, कोटा आदि रेलवे स्टेशनों से बिहार के विभिन्न शहरों के लिए चलेंगी। रेलवे अफसर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह 75 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन कुल 1,131 फेरे लगाएंगी। वहीं मालूम हो कि इससे पहले 60 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के परिचालन
संचालन का निर्णय लिया गया। सबके अलावा पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार के द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार पूजा पर्व को देखते हुए कई दर्जन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की योजना बनाई जा रही है, जिसकी सूचना जल्द ही रेलवे के द्वारा दी जाएगी। विदेशी मेहमान से गुलजार हुई भागलपुर की जगतपुर झील। ठंड के दस्तक के साथ ही भागलपुर का जगतपुर झील विदेशी मेहमानों से गुलजार हो गया है। बता दें कि यहां इस झील में रूस, मंगोलिया, अलास्का, रोमानिया से कई प्रवासी पक्षी पहुंचे हैं, जिनमें मसलन यूरेशियन, कूट ब्रोसाइंक, सेंट पाइपर, पर्पल हेडॉन, येलो फुटेड ग्रीन पीजन कई पक्षी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन प्रवासी पक्षियों के लिए जगतपुर झील में अनुकूल वातावरण पाया जाता है। वहीं वैसे में इन विदेशी मेहमानों की अटखेलियां देखने व प्रजातियों की गणना करने के लिए भागलपुर के पक्षी संरक्षण व पक्षी विशेषज्ञ आते हैं और कैमरों में पक्षियों को कैद करते हैं। इसके अलावा यहां मौजूद आसपास के लोग भी इन पक्षियों को देखने के लिए पहुंचते हैं। विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से कई कोशिश की जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी शराब तस्करों के द्वारा नए नए तरीकों से तस्करी का काम किया जा रहा। बता दें कि ताजा मामला बांका और छपरा का है, जहां जयप्रकाश सेतु पर कमांडर जीप एवं ऑल्टो कार में छुपाकर लाई जा रही 111 लीटर विदेशी शराब को उत्पाद विभाग एवं पुलिस की मुस्तैदी के कारण बरामद किया गया है। इसके साथ ही इस दौरान 3 तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान संतोष कुमार, सूरज कुमार और सुरेंद्र कुमार के रूप में की गई है। वहीं दूसरी ओर बांका में भलजोर चेकपोस्ट पर पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक राहुल कुमार के द्वारा वाहन जांच के दौरान 3 वाहनों, जिसके ऊपर बांस का चचरी, जिसका उपयोग वृक्षारोपण में पौधा को सुरक्षा देने में किया जाता है, उसके नीचे से 449 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया है और एक तस्कर की गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान कुणाल कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल इन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा आवश्यक पूछताछ कर जेल भेज दिया गया है। पटना के महावीर मंदिर में 11 नवंबर को हनुमान जयंती का होगा आयोजन। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन यानी कि 11 नवंबर को बिहार की राजधानी पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में हनुमान जयंती का आयोजन होने वाला है। इसके उपलक्ष्य में फिलहाल महावीर मंदिर में रामचरितमानस का नवाह पाठ किया जा रहा, जिसकी शुरुआत 3 नवंबर को कलश स्थापना के साथ हुई थी। बता दें कि यह नवाह पाठ 9 दिवसीय है, जो कि मुख्य पुरोहित पंडित जटेश झा की देखरेख में आयोजित किया गया है। वहीं मुख्य पुरोहित के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हनुमान जयंती तक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रामचरितमानस का यह सामूहिक पाठ चलेगा। इसके बाद हनुमान जयंती के दिन 11 नवंबर को महावीर मंदिर परिसर में स्थित मुख्य ध्वज स्थल पर ध्वज पूजा होगी और सभी ध्वज बदले जाएंगे। इस दिन हनुमान जी को विशेष भोग लगाया जाएगा और भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाएगा। आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का है जन्मदिन। सीएम नीतीश समेत कई नेताओं ने दी बधाई। आज यानी कि 9 नवंबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। आज तेजस्वी यादव 34 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन रात 12 बजे अपने परिवार के सदस्यों के साथ केक काटकर मनाया। ऐसे में आज उनके जन्मदिन को लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया है। बता दें कि बिहार के वैशाली में राजद के समर्थकों के द्वारा तेजस्वी यादव का जन्मदिन JCB पर बैठकर मनाया गया। वहीं इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा तेजस्वी यादव को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा गया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव श्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है। इसके अलावा ललन सिंह के द्वारा जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा गया कि ऊर्जावान, संघर्षशील, जनप्रिय युवा नेता और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू कराया। आज बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र का 4th दिन है। ऐसे में आज भी भाजपा सदस्यों के द्वारा नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करने लगे, जिसके बाद स्पीकर के द्वारा नारेबाजी कर रहे सदस्यों को शांत कराने की कोशिश की और अंततः हंगामे के बीच स्पीकर के द्वारा प्रश्नकाल को शुरू किया गया। लेकिन बात आगे बढ़ गई और स्पीकर को दोपहर 2 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी विधायकों के द्वारा वेल में रिपोर्टर्स की कुर्सियां उठा ली गई, जिसके बाद स्पीकर के द्वारा हंगामा कर रहे विधायकों को चिताया गया और नाम नोट करने को कहा गया, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा विधायक शांत नहीं हुए। सीएम नीतीश के बयान से 7 समंदर पार मची खलबली। बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लड़कियों को शिक्षित करने से जनसंख्या नियंत्रण पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करते हुए कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई थी, जिससे कि पक्ष विपक्ष की महिला विधायकों के द्वारा उन पर खूब तंज कसा गया था, जिसके बाद बीते दिन सीएम नीतीश के द्वारा अपने इस बयान को लेकर विधानसभा में माफी भी मांगी गई थी। वहीं अब यह मामला अमेरिका तक जा पहुंचा है। दरअसल अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका मैरी मेलबेन के द्वारा सीएम नीतीश के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि आज भारत एक निर्णायक क्षण का सामना कर रहा है।
रहा है यहाँ बिहार में, जहाँ महिलाओं को मूल्य चुनौती दी जा रही है। और मेरा मानना है कि इस चुनौती को केवल एक ही उत्तर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी के बाद मेरा मानना है कि एक साहसी महिला को आगे आकर बिहार के सीएम पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करनी चाहिए। यदि मैं भारत की नागरिक होती तो मैं बिहार जाती और मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ती। बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए लाइव आए पंकज त्रिपाठी। बिहार के लाल और बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के द्वारा हाल ही में लाइव आकर अपने फैंस को एक सरप्राइज दिया गया। लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि वह लाइव आकर ये भूल गए कि वो लाइव क्यों आए थे। उन्होंने लाइव आकर कहा कि हेलो, पर मैं भूल ही गया कि मैं लाइव क्यों आया था। आज मेरी पुरानी आदत है, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं अक्सर भूल जाता हूं। इसके बाद वे फैंस के मैसेज पढ़ने लगे। उन्होंने इस दौरान कई बार याद करने की कोशिश की कि वह लाइव क्यों आए थे, लेकिन उन्हें वजह याद नहीं आई। वही उन्होंने कहा कि यह बहुत अजीब है कि आप लाइव आए और आप क्या कहना चाहते हैं। वही इस 2 मिनट के लाइव सेशन के बाद उन्होंने फैन से माफी मांगी और कहा कि जब उन्हें याद आएगा तो वो इस बारे में शेयर जरूर करेंगे। बता दें कि पंकज त्रिपाठी के इस लाइव को 13,000 यूजर्स के द्वारा अटेंड किया गया था। भारत के पूर्व चयनकर्ता ने की भविष्यवाणी, किस टीम के बीच खेला जाएगा सेमीफाइनल मुकाबला। भारत के पूर्व चयनकर्ता के द्वारा इंडिया टीवी से बात करते हुए जानकारी दी गई कि विश्व कप 2023 में सेमीफाइनल का मुकाबला किन 2 टीमों के बीच खेला जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम मौजूदा समय में शानदार प्रदर्शन कर रही है और उनके पास पूरी क्षमता है कि वे साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल मुकाबले में हरा सकते हैं और फाइनल में अपनी जगह बना लेंगे। बता दें कि उनका मानना है कि न्यूजीलैंड चौथी टीम के लिए प्रबल दावेदार है। उनका मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ होना है और इस विश्व कप में अब उन्होंने जिस तरह का क्रिकेट खेला है उसे देखते हुए कीवी टीम यह आसानी से कर सकती है। यदि न्यूजीलैंड मुकाबला जीत जाती है तो पाकिस्तान के लिए रन रेट का समीकरण सामने आएगा और उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ लड़नी होगी, जीत हासिल करनी होगी कि वो मुश्किल होने वाला है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 108.12 रुपए और डीजल 94.86 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वही पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.57 रुपए और डीजल 95.26 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.84 रुपए और डीजल कीमत 94.57 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.61 रुपए और डीजल 95.31 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.60 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। अब बढ़ते हैं आज के 5 सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, राज्य में बीते 24 घंटे में डेंगू के कितने मरीज मिले हैं। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 325, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 400। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 300। अगला सवाल, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे राज्य के कितने स्कूलों में करवाया गया। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 40। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 35। अगला सवाल, आज सुबह 8 बजे तक पूर्णिया का AQI कितना दर्ज किया गया। ऑप्शन ए 293, ऑप्शन बी 310, ऑप्शन सी 312, ऑप्शन डी 340। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 293। अगला सवाल, बिहार के किन 3 नहर परियोजनाओं पर तेजी से काम होने वाली है। ऑप्शन ए सारण मुख्य नहर, ऑप्शन बी कर्मनासा लिंक नहर, ऑप्शन सी उत्तर कोयल जलाशय परियोजना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला सवाल, राज्य के सरकारी कर्मचारियों का नवंबर महीने के वेतन का भुगतान करना कब से शुरू होगा। ऑप्शन ए 18 नवंबर 2023, ऑप्शन बी 16 नवंबर 2023, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2023, ऑप्शन डी 14 नवंबर 2023। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 16 नवंबर 2023। बीते दिन हमारे द्वारा पूछकर सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछकर सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है ननू गोलू कुमार, गौरी शंकर, रवि कुमार राम, मदन कुमार मोहित, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, अभिषेक कुमार, चंदन कुमार, अभिनंजन कुमार, नौसद अंसारी, जैसिका गुप्ता, मनोज तिवारी, मोहम्मद फहीम, ऋषिकेश सा सिटू। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहेंगे। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।